लोगों से आशीर्वाद लेते हुए इंदुराज बालो कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज जी, आज आप धन्यवादी दौरे पर निकले हैं, क्या मकसद है? मकसद है मेरा जो हल्का बड़ौदा की 26 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं उसका धन्यवाद करने के लिए। अगर कोई छोटा मोटा को काम होगा वो भी साथ साथ नोट करे हैं, और हम हल्का बड़ौदा की 26 बिरादरी के लिए चाहे मैंने मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ो, मंत्री के पास, मंत्री के पास, अफसर के पास, कहीं भी जाना पड़ो, मैं इनके लिए तत्पर सेवा करूँगा 24 घंटे इनके साथ। आज आपका पहला दौरा था, ये पहले गाँव का, सामड़ी गाँव का, तो आगे भी दौरे रहेंगे? हाँ बिल्कुल, रूटीन में दौरे रहेंगे हर रोज, और इसी तरह डोर टू डोर का प्रोग्राम रहेगा। आपने देखा हुआ भविष्य में एक दीपेंद्र हुड्डा का भाई, भूपेंद्र हुड्डा का बेटा ही ऐसा है जो घर घर जाके धन्यवाद दौरा सुना। आप चंडीगढ़ पहुंच गए, शपथ ले ली, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते थे कि कौन बालू, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहूँगा बालू को पहले भी जानते थे लेकिन अब और अच्छी तरह जान गए होंगे, और मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो हल्का बड़ौदा में आपने ये घोषणा की थी इलेक्शन के टाइम पर, जैसे यूनिवर्सिटी की बात की, दो कॉलेज लड़कियों की बात की, राइस मिल की बात की, IMT की बात की, मुझे उम्मीद है कि आप उनको पूरा करेंगे, और मैंने मुख्यमंत्री जी से टाइम भी मांगा है, मैं उसको मिलूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, और बार बार मैं उनके पास जाऊँगा, उन्होंने बयान दिया था कि बालुआ होगा तो मैं काम करूँगा, मैं बार बार आऊँगा मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी हल्का बड़ौदा कोई भी काम करते हैं अच्छा काम, उसके लिए धन्यवाद भी करूँगा। अंतिम सवाल, बड़ौदा की जनता ने विश्वास जता करके आपको विधायक बनाया है, क्या मैसेज दोगे लोगों को? देखिए हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मेरे को विधायक जरूर बनाया है और विधायक हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं विधायक नहीं, एक सेवक बन के, बेटा बन के, भाई बन के, भतीजा बन के काम करूँगा। ये देखा आपने, बड़ौदा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज बालू ने बात करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे लोगों ने जिस उम्मीद के साथ उन्हें बनाया है उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे, और चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी और JJP गठबंधन सरकार ने जो इस जनता के सामने जो मांगे रखी थी, जो घोषणाएं की थी, जो गठबंधन सरकार ने आश्वासन दिया था, इंदुराज भालू ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको हम पूरा करवा के छोड़ेंगे। इसके अलावा वे जल्द ही मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल से मिलकर अपने बड़ौदा के लोगों की जितनी भी मांगे हैं सभी रखेंगे, और इस हलके के लोगों के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोगों से मिलते हुए कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज बालू, सभी से मिलते हुए घर घर जाते हुए इंदुराज बालू